आत्महीनता का भाव जब जाग जाता है तो मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरी किस्मत अच्छी नहीं, मेरे परिवार के लोग अच्छे नहीं, मेरा जन्म ही ऐसी जगह हुआ है, परिवार के लोगों ने आज तक मेरे लिए तो कुछ किया नहीं, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, मेरे मित्र ने कुछ नहीं किया, और मेरे तो पड़ोसी भी अच्छे नहीं, और तो और हाथ की लकीर भी अच्छे नहीं, तो उसका कुछ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो अच्छा मानता ही नहीं। हम लोगों को इस तरह से डरपोक बना दिया गया है। कोई कहता है घर की दीवार तोड़ दो, कोई कहता है यहां गड्ढा कर दो, यहां ऊंचा कर दो, कोई कहता है नाम को बदल लो, कोई कहता है तुम्हारे पीछे कालसर्प दोष लग गया, कोई राहु केतु आपके सिर पर बैठा था। अरे जिसने परमात्मा के नाम पर भरोसा कर लिया और उसका सहारा ले लिया, उसका कभी कुछ बिगड़ता नहीं, उसकी रक्षा तो हमेशा होती है। ये हाथ में आपकी लकीरें हैं ना, यहां आपकी किस्मत है, लेकिन इस किस्मत से आगे आपकी उंगलियां हैं, कर्म करने वाली उंगलियां आगे हैं, किस्मत पीछे है। अगर अपना कर्म करने वाले बनो तो आपकी किस्मत भी बदलती है। कर्म को नहीं छोड़ना, श्रद्धा विश्वास गहरा हो आपके अंदर। तो हम बहुत ज्यादा आत्मविश्वास नहीं रख पाते, आत्महीनता, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान चाहिए आत्महीनता नहीं, और आत्मविश्वास चाहिए आत्मसंदेह नहीं। पता नहीं मेरा काम होगा नहीं होगा, आज तो किसी ने छींक दिया, आज तो किसी ने बोल दिया। हम लोग खाकी वर्दी अगर लाल बत्ती पर देखें तब तो गाड़ी रुकती है, नहीं तो लाल बत्ती को भी पार करके जाएंगे। इतने डरपोक क्यों हो भाई? आत्मविश्वास चाहिए आत्मसंदेह नहीं, आत्मस्वीकृति चाहिए अस्वीकृति नहीं, आत्मज्ञान चाहिए आत्मवंचक नहीं, आत्म अनुशासन चाहिए लापरवाही नहीं। अगर ये आप अपना सकते हैं तो आपका कल्याण ही कल्याण है और आपका सौभाग्य जागेगा। इसके लिए क्या करना होगा ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मैंने आपसे ये कहा कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाली कोई चीज दुनिया में नहीं है, लेकिन ये ज्ञान प्राप्त होता श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करेगा, लेकिन उससे भी बढ़कर वह जिसने अपने इंद्रियों को अपने मन को वश में कर लिया हो, जो खुद पर मतलब खुद को कंट्रोल करना जानता है, उसकी श्रद्धा और उसका ज्ञान ही उसके लिए कल्याणकारी बनेगा। जिस आदमी का खुद पर वश नहीं है वो अपना भला नहीं कर सकता। तो अपना रिमोट कंट्रोल कभी भी दूसरे के हाथ में मत दीजिए। दूसरा चलाए और आप चलें, इतने ज्यादा संवेदनशील और नाजुक भी मत बनिए कि किसी ने उंगली दिखाई और हम मुरझा गए। ये तो दुनिया है, कुछ भी करेगी दुनिया। अपने स्वभाव में जिएगी, आपको अपने स्वभाव में जीना है, अपने अंदर से अपने आप को मजबूत करना है। तो क्या क्या करना चाहिए मैं वो बताना चाहता हूं आपको, जिस पर आप लोग ध्यान देंगे। पहली खास बात, आज से आप उत्साहित बने, निरुत्साहित नहीं। जोश में दुनिया के बड़े बड़े काम होते हैं। जब तक उत्साह आपके अंदर है आप युवा हैं। बूढ़ा भी हो जाए आदमी लेकिन उत्साह बनाए रखे तो वो बूढ़ा नहीं कहलाता, और जिसका उत्साह मर गया वो भले ही यौवन में हो तो भी बुढ़ापा ही है उसका। उत्साहित रहिए, उत्साह मरने लग जाए ना फिर से अपने आप को दोबारा जगाओ। वही विचार वही लोग जो आपको उत्साहित करें। जिनके जीवन में नियमितता होती है वे लोग जरूर सफल होते हैं, और जिनमें कोई नियम नहीं, स्वच्छंद जीवन जिए, फ्री स्टाइल में जीवन जिए, मैं तो ऐसा ही हूं, कुछ नहीं बन सकते।
भाग्य जागेगा इसी से। तो सोचिए, आप ऊर्जावान हैं या निर्बल हैं, आशा वाले हैं या निराशा वाले हैं, इसके लिए एक काम करिए। सुबह जब आसमान में लाली छाई होती है और तारे सब बारात उनकी विदा ले जाए और एक तारा दिखाई दे रहा होता है चमकता हुआ, वो भी विदाई लेने की स्थिति में होती है, उस समय में आसन बिछा के थोड़ा प्राणायाम व्यायाम करने के साथ साथ जाप और ध्यान जरूर करो। श्वास श्वास में नाम जपना कैसे होता है? श्वास श्वास में नाम जप वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन होए न होए। तो उसको कैसे आप सार्थक बनाएं? दूसरा, जो 14 तरह के जप हैं उनमें से मुख्य 4 जप आपको आने चाहिए। कब बोल बोल कर जाप करना है, कब आपको उपांशु जप करना है, कब मानसिक जप करना है, और अजपा जाप को किस तरह साधना है। प्रदक्षिणा जप कैसे होता है, नित्य जप कैसे होता है, नैमित्तिक जप कैसे होता है, तितिक्षा जप क्या कहलाता है और अनुष्ठानात्मक जप कैसे किया जाता है, ये सब चीजें आपको थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए। दूसरा, जब भी आप माला हाथ में लें तो इन दो उंगलियों के बीच में पकड़िए, मृगी मुद्रा बनानी चाहिए। आहुति देते समय मृगी मुद्रा, मृगी होती है जिसके 2 सींग होते हैं, हिरनी, हिरन वो होता है जिसके 12 सींग होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं 12 सिंगा। तो ये मृगी मुद्रा है, 2 सींग दिखाई दे रहे ना, ये उसका मुंह समझ लीजिए। ऐसे अपने हाथ को बना लें। अब इसको ऐसे करके यहां ऐसे आहुति पकड़ी, अब ऐसे डालनी है हवन कुंड में, समझ में आया? और जब छींटे लगाते हैं तो भी इसी तरह से, समझ में आया? और जब माला जपोगे तो ऐसे इन दो उंगलियों के बीच में माला संभालना और अंगूठे से चलाना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जब माला आप लेंगे, जैसे ये माला है, तो उसका जो मुख्य सुमेरु वाला जो भाग होता है, बड़ा मन का जो होता है ना, पहले उसमें 2 बूंद पानी डालना है ऐसे, और 2 बूंद डालकर ऐसे हाथ में लेना, और हाथ में लेकर के कहना, माला तो सीढ़ी है मेरे परमात्मा के दर की और बढ़ाने वाली सीढ़ी, तेरा सहारा लेकर मैं अपने परमात्मा के धाम की यात्रा करने चला हूं। और ऐसे लेकर उसे माथे से लगाना ऐसे, और फिर दाई आंख पे लगाना, फिर बाई आंख पे, फिर गले पर, और हृदय स्थान में रखकर ऐसे अपना मंत्र जो जपते हो, जैसे आप बोलते हैं ना ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो ऐसे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 3 बार बोला। अब ये 3 बार बोलने के बाद आपने क्या कहना है, जैसे शिव जी का नाम जपते हो ना, कि मैं शिव नाम का उच्चारण करने लगा हूं। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ होता है सुख, शिव का अर्थ होता है जो भला करे। मेरा भला करने वाला, मेरा कल्याण करने वाला मेरा शिव है, मैं उसके नाम का सहारा लेने लगा हूं। और फिर अपनी 2 उंगलियों के बीच माला पकड़ो, उसके बाद श्रद्धा भाव से याद करो भगवान के शिव के स्वरूप को, और वहां से आती हुई ज्योति को माथे पर अनुभव करते हुए, अंदर अनुभव करते हुए कि जैसे प्रकाश अंदर आ रहा है, ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, ऐसे भाव लेकर जाप करना शुरू कीजिए। अब आपको महसूस होगा सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जैसे नजदीक होते जा रहे हैं,
और जब जाप हो जाए तो महसूस करो कि जैसे कृपा भरे दोनों हाथ मेरे सिर पर आए हैं और प्रकाश की वर्षा हो रही है और मैं उसके वरदानों से भरपूर हो रहा हूँ। मेरे अंदर की सारी कालिमा हट गई और मैं आनंद से युक्त हूँ। उसी स्थिति में आनंदित होकर धन्यवाद 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 धन्यवाद, शुक्र है तेरा मेरे परमात्मा, लाख लाख शुक्र है, ऐसे हाथ जोड़ के फिर प्रणाम करना। एक ही बार एक माला जपते कमाल देखना अपनी जिंदगी में। इतना करते हो ना आप, जो मैंने बताया उसको ध्यान में रख लीजिए और इसे आप अपनाना शुरू करें, निश्चित रूप से कल्याण होगा। और एक निवेदन आपसे और करूंगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, मंत्र जाप करने बैठ गए लेकिन अर्थ समझने की चेष्टा नहीं करते। असल में तो हमारे यहाँ संस्कृत तो पढ़ाई जाती नहीं है, और अगर पढ़ाई भी जाए किसी को तो लोगों को जो है ठीक से समझ नहीं आती। वो कोई एक जगह है, टीचर ने कहा कि भैया देखो सब लोग समझ जाते हैं कि आखिर में सर्वमंगल कामना करने के लिए बोलना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सर्वे संतु निरामया, सब निरोग हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब भला भला देखें, सबका भला हो, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को भी किसी भी रूप में कोई दुख ना हो। तो श्लोक बोल दिया, कहा सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बच्चे से कहा कि अब अर्थ बताओ। पहले तो अर्थ समझाया नहीं था तो बच्चे से कहा सर्वे भवंतु सुखिना, अर्थ बताओ। बोले जी मुझे तो ऐसा लगता है इनकम टैक्स वाला जो है वो ऑफिसर अपने सारे लोगों को खड़ा करके कह रहा है कि जितने भी सुखी लोग हैं सबके घर में सर्वे करो। सर्वे भवंतु सुखिना, सब सुखी लोगों की लिस्ट बनाओ, सर्वे करो, सर्वे संतु निरामया, और जितने निरोग लोग हैं ना तंदुरुस्त दिखाई देते हैं उनका भी सर्वे करो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, जो अपने कल्याण में लगे हुए हैं उनका भी सर्वे करें। बोले आखिर में क्या लिखा, बोले आगे लिखा ना मां कसी दुख भाग भवेत, कोई भी सर्वे रूपी दुख से भागने ना पाए, बस इसका ध्यान रखो। उसके बाद उसने जो है उसके चरण पकड़ के कहा कि महाराज अपने चरण दिखाओ, आप इतने कली काल में इतने महान कैसे हो, जो अर्थ हमको नहीं आता तुम्हें कैसे आ गया। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग अपने मंत्रों का जब तक अर्थ नहीं समझेंगे, जाप में भावना नहीं लाएंगे, मंत्र कल्याण नहीं करेगा। इसलिए पतंजलि ऋषि ने एक बड़ा अद्भुत शब्द कहा, तद जपस तदर्थ भावनम, जाप जैसा कर रहे हो उसके अनुसार पहले भावना जरूर बनाओ, भावना बनेगी तो जाप अपना फल देगा जरूर। आइए मिलकर एक मिनट में भगवान का नाम उच्चारण करते हुए अपने आप को थोड़ी देर के लिए तरंगित करें। गिरिराज धरन मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरन मैं तो तेरी शरण, yeah।
पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में सूरत गुजरात कानपुर उत्तर प्रदेश में देवदूत बाल आश्रम का निर्माण किया गया है, जहां बच्चों के लिए भोजन आवास शिक्षा की निशुल्क व्यवस्था है। ये बच्चे खेलकूद एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपने सफल प्रदर्शन से साबित कर रहे हैं कि विश्व जागृति मिशन एवं पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद इन्हें सफल जीवन की ओर ले जा रहा है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सचेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली